अस्सलामुअलैकुम, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिबशा वाहिद। हेडलाइंस आपने जानी और इस वक्त आपको अपडेट करेंगे कौमी असेंबली से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा है। तहरीक इस्तेहकाक में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ ये तहरीक जमा कराई गई है। कौमी असेंबली से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जहाँ एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की समाअत जारी है, वहीं तहरीक इस्तेहकाक कौमी असेंबली में जमा कराई गई है। शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ मनान, कैप्टन सफदर और दीगर को इसमें नामजद किया गया है। कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई है। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली का इजलास हंगामा आरई की नजर हुआ था और ऐसी हंगामा आरई हुई थी कि न सिर्फ एक दूसरे पर तंज के वार किए गए बल्कि हाथापाई तक भी नौबत पहुंच गई थी, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली का इजलास मौखर कर दिया था। और अब तहरीक इंसाफ ने नून लीग अराकीन असेंबली की लिए कि उनको नामजद करते हुए तहरीक इस्तेहकाक कौमी असेंबली में जमा